वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे एक और रेसिपी माइक्रोवेव में, वो भी फेस्टिवल स्पेशल। देखिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि दिवाली स्पेशल हमें रेसिपीज़ दीजिए, स्पेशली स्वीट्स की और डेजर्ट की। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बॉम्बे हलवा या फिर बॉम्बे कराची हलवा। बॉम्बे हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फिर सीखते हैं कि किस तरीके से हम झटपट से माइक्रोवेव में बहुत कम घी और बहुत ही कम टाइम में बना के तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। बॉम्बे हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रे को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप की बेकिंग ट्रे ले ली है। आप कांच की ट्रे भी ले सकते हैं या फिर आप थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। देखिए, ट्रे को रेडी करना सबसे पहला काम है हमारा, क्योंकि हमें हलवा बनने के बाद तुरंत ही हलवे को सेट करना होता है। तो यहाँ पर जो बटर पेपर है वो मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब कुछ नीचे मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, पिस्ता, बादाम और काजू। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं टोटली। तो यहाँ पर ट्रे हो गई है हमारी तैयार। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। स्टेप्स बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इस रेसिपी में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है माइक्रोसेप बॉल, और इसमें डालूंगी मैं एक कप कॉर्नफ्लोर। उसके बाद एक कप कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने, तो इसमें डालेंगे एक कप हम पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा एक कप पानी डाला है, यानी एक कप कॉर्नफ्लोर में एक कप हमने पानी ऐड किया है। आपको पता ही है कि कॉर्नफ्लोर जब पकता है तो वो थिक होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। देखिए, टोटल ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो कलरफुल बनेगा हमारा हलवा। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो ये हमारा यहाँ पर मिक्सचर हो गया है तैयार, और इसको हम यहाँ पर अब एक साइड रख देते हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी तैयार करते हैं। तो माइक्रोसेप बॉल में डालेंगे हम यहाँ पर आधा कप चीनी, और इसमें डालेंगे एक तिहाई यहाँ पर पानी। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेज़रमेंट आप यही रखेंगे शुगर का, अगर आप एक कप या फिर एक कटोरी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर, टोटल ऑप्शनल है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं या फिर केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। उसके बाद अब हमें इसे फटाफट से माइक्रोवेव में डालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इसे डालेंगे माइक्रोवेव में, और 900 वॉट में हम यहाँ पर 3 मिनट का टाइम लगाएंगे। 3 मिनट में चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, चाशनी हमें यहाँ पर बहुत चिपचिपी नहीं बनानी है, बस इतना ताकि इसमें 2 से 3 उबाल अच्छे से आ जाए। तो बस यहाँ पर हो गया है टाइम पूरा, और फटाफट से हम निकाल लेते हैं बाउल को। मैं दिखाऊंगी आपको चाशनी हमें कैसी चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। बस अब हम डायरेक्ट जो है चाशनी डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी डालूंगी मैं यहाँ पर 3 चम्मच। देखिए, बॉम्बे हलवे में घी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम इसे नॉर्मली गैस में बनाते हैं। तो इसमें यही एक फ़ायदा होता है कि हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो घी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब डालेंगे हम इसमें खरबूजी के बीज, जो कि इसमें पड़ते ही हैं, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, और बस फटाफट से अब हमें बाउल को डाल देना है माइक्रोवेव के अंदर। तो अब हमें यहाँ पर माइक्रो मोड पे फटाफट से लगाना है। 3 मिनट का टाइम, फुल पावर का हमें यूज़ करना है। जब आधा हो जाएगा टाइम, यानी 1.5 मिनट हो जाएंगे, तो हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस दौरान मैंने इसको एक बार मिक्स किया था, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे जो है हीट बढ़ेगी और जैसे जैसे हलवा पकेगा तो कॉर्नफ्लोर हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, बीच में मैंने एक बार चलाया था, और 3 मिनट पूरे होने पे हलवा हमारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। थोड़ा सा अभी इसको टाइम देना है हमें, और माइक्रोवेव में घी भी इसने अच्छे से छोड़ा है, अभी ये और छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए,
अब हम यहाँ पर जो पावर है वो कम करेंगे, यानी लोअर पावर का रखेंगे हम 360, और उसमें हम 3 मिनट का टाइम लगाएंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले आपको हाई पावर का यूज़ करना है, उसके बाद आप 3 मिनट के बाद यहाँ पर लो पावर का यूज़ करेंगे, और फिर 3 मिनट आप इसे पकने देंगे। जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप फिर माइक्रोवेव से हलवे को फटाफट से बाहर निकालेंगे। गरम गरम हलवा हमें सेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं हलवा हमारा कितना अच्छे से जो है सेट हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो हमने घी यूज़ किया था हलवे में, हलवे ने घी भी बहुत अच्छे से छोड़ा है। तो इस तरीके का हमें यहाँ पर टेक्सचर चाहिए हलवे का। बहुत अच्छे से हमारा हलवा तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट भी। अगर आपको लगता है कि आपका हलवा थोड़ा हार्ड है तो इसमें पानी ऐड कर लीजिए और इसे वापस 1 से 1.5 मिनट कर लीजिए यहाँ पर माइक्रो। बस अब हमें फटाफट से गरम गरम हलवा ही तैयार ट्रे के अंदर डालना है। ध्यान रखिएगा कॉर्नफ्लावर जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे हार्ड हो जाता है, तो आपको एकदम से गरम गरम हलवा ही डालना है ट्रे के अंदर, और उसके बाद अब हम इसे सेट करेंगे। तो बस स्पैचुला ले लीजिए और अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख लीजिए। तो आप इस तरीके से इसे दबा दबा के सेट कर लेंगे, और फटाफट आपको ये काम करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो चुका है तो हलवा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। आप देख सकते हैं घी कितने अच्छे से छोड़ा है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट भी आता है और ये बनता भी बहुत जल्दी है। तो बस ये सेट हो गया है हमारा यहाँ पर हलवा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी शेयर की है, आई होप आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। अगर ट्राई किया होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, नहीं किया होगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये जो हलवा मैं आपको बता रही हूँ इसको भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब हमें इसे कम से कम हमें इसे सेट करने रखना है 4 से 5 घंटे, ताकि जो हलवा है हमारा वो अच्छे से सेट हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया हलवा सेट करने के लिए, फ्रिज में बिल्कुल ना रखे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए डीमोल्ड कर दिया है, इजीली जो है पेपर भी निकल गया है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, बहुत ही स्पॉन्जी, सॉफ्ट और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। और बस आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कट कर लीजिए, जो भी शेप आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। तो आप शाइन देख सकते हैं हलवे की। सिर्फ 3 चम्मच घी का हमने यूज़ किया है, ज़्यादा इसमें हमने घी भी यूज़ नहीं किया है और ना ही इसमें कोई बाहर से हम इंग्रेडिएंट्स लाए हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर इस दिवाली इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने ट्रांसपेरेंट भी हैं और कितनी शाइन भी है इनमें, और सॉफ्ट स्पॉन्जी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा बॉम्बे हलवा बनके तैयार हुआ है। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के साथ बहुत सारी स्वीट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाएंगे हम माइक्रोवेव में। साथ में बहुत सारे डेजर्ट की रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी जो आप दिवाली में बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं माइक्रोवेव के। अगर आप माइक्रोवेव के शौकीन हैं, कुकिंग करना आपको माइक्रोवेव में पसंद है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़, हैक्स, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ बताई है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं अंदर से कितना बढ़िया ये सॉफ्ट बना है और कितना अच्छे से जो है हमारा हलवा सेट हुआ है। कम से कम आप इसे 4 से 5 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा। बस मेज़रमेंट का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और ट्राई करके अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये स्वीट रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।